नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक रिक्वेस्ट किए गए टॉपिक के बारे में। और ये टॉपिक है जो कि हाल ही में शोकेस किया गया था DRDO द्वारा बनाया गया एयर डिफेंस टैक्टिकल कंट्रोल रडार। तो इसको लेके एक रिक्वेस्ट थी कि इसके ऊपर बात की जाए। वैसे हम इस रडार को कवर कर चुके हैं, लेकिन हमने वहाँ पर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं गए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये रडार है क्या? तो आपका जो ADTCR है वो IAF द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले SVNI मीडियम रेंज रडार का ही एक वेरिएंट है जो कि इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया है। और ये रडार एक लार्ज एरिया में सर्विलेंस डिटेक्शन और ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं पे इसमें ये एबिलिटी है कि ये फ्रेंड ऑफ होम में अंतर पहचान सके। ये रडार कैपेबल है स्मॉल से स्मॉल टारगेट को डिटेक्ट करने में, चाहे वो टारगेट किसी भी ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा हो, लो से लो ऑल्टीट्यूड पे भी ये डिटेक्ट करने में सक्षम है उन टारगेट्स को। अब बात करते हैं इसकी टेक्निक की। इसकी टेक्निक क्यों स्पेशल है? तो ये इस्तेमाल करता है एक्टिव फेज्ड एरे एंटीना का, और उसमें भी ये DRDO द्वारा बनाए गए जो आपके डिजिटल बीम फॉर्मिंग है उसका इस्तेमाल करता है। और इस टेक्निक के इसमें आ जाने की वजह से ये अपने बीम्स को अलग अलग मोड्स में इस्तेमाल करने में सक्षम है। तो इस टेक्निक में क्या होता है कि जो आपकी एंटीना टेक्नोलॉजी है उसको आप मिक्स कर देते हो डिजिटल टेक्निक के साथ। तो इस टेक्निक में क्या होता है कि जो भी आपकी एपर्चर सिंथेसिस टेक्निक है उसको जोड़ दिया जाता है रेडियो एस्ट्रोनॉमी से। तो अगर सिंपल शब्दों में कहोगे तो इस टेक्निक के अंदर आपके रडार के एंटीना के एक एलिमेंट के पास अगर कोई RF सिग्नल आ रहा है तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है दो स्ट्रीम बाइनरी बैंड में, और ये दोनों ही मिलके सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है और फेज है उन दोनों को संभालते हैं। तो अब इसके अंदर ज्यादा नहीं जाते हैं। सिंपल शब्दों में कहोगे तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके ये मल्टीपल मोड्स को एक्सेस करने में सक्षम है। तो ये आपका जो भी ADTCR है, ये जिस व्हीकल पे माउंट है जो कि 8x8 का व्हीकल है, तो इस व्हीकल पे इस रडार के लिए एक जनरेटर और एक ऑपरेटर सेल्टर भी दिया गया है। और एक चीज मैं और मेंशन कर देना चाहूंगा, जैसे कि ये एक सर्च रडार है तो ये इस्तेमाल करता है S बैंड फ्रीक्वेंसी का। तो बात करोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में तो जो आपका S बैंड है वो एक फिक्स्ड और पावरफुल फ्रीक्वेंसी है जो कि कैपेबल होती है टू वे कम्युनिकेशन करने में। और इसीलिए इस फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल रडार से लेके सैटेलाइट कम्युनिकेशन में किया जाता है। ऑपरेट करती है 2-4 GHz के बीच में, और यहीं से अगर आप बढ़ोगे तो आपको लॉन्गर वेव की फ्रीक्वेंसी मिलेगी, क्योंकि S के बाद आपका आता है L, फिर UHF, VHF और HF। और इसीलिए एक लॉन्गर रेंज ऑपरेशन में सर्च करने के लिए आपकी S बैंड की जो फ्रीक्वेंसी है उसे इस्तेमाल किया जाता है। आपका जो ADTCR है वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे डेटा को ट्रांसफर करने में सक्षम है, चाहे वो प्लेटफॉर्म कोई वेपन पोस्ट हो या फिर कोई कमांड पोस्ट हो जहां से कमांड देके कोई भी मिसाइल लॉन्च की जा सकती है, एयर डिफेंस मिसाइल। तो ये किसी को भी सिग्नल देने में सक्षम है। और ये भारत के जो प्रीवियस इंदिरा रडार थे यानी कि इंडियन डॉपलर रडार, उनका ही सक्सेसर है ये। जहां पे जो आपका इंदिरा रडार है वो एक लो लेवल मोबाइल टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए डेवलप किया गया था, और वो एक 2-dimensional रडार था। इस रडार को कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है किसी भी कंडीशन में, हर प्रकार के टेरेन में, चाहे वो माउंटेनियस एरिया ही क्यों ना हो। तो इसको 4.5 किलोमीटर की जो हाइट है वहां पे डिप्लॉय किया जा सकता है। बात करोगे रेंज की तो किसी भी 1m² वाले RCS को पकड़ने के लिए इसकी रेंज 90 किलोमीटर है, और 0.1m² वाले ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए इसकी रेंज 60 किलोमीटर है, जो कि 10 से 12 किलोमीटर तक के ऑल्टीट्यूड पे अपने बीम्स को भेज सकता है। बात करोगे इस रडार के एलिमेंट से निकले गए बीम की तो प्रत्येक बीम के पास 2 डिग्री का आपका एलिवेशन होगा, और वहीं पे जो बीम की चौड़ाई होगी निकलने के बाद एंड पे वो 30 मीटर तक की होगी। और ओवरऑल आप देखोगे रेजोल्यूशन तो वो आपको 100 मीटर रेंज में देने में सक्षम है। और ये अपने मोड के अकॉर्डिंग एंटीना को 10, 20 और 30 जो RPM है रोटेशन पर मिनट उसको अचीव करने में सक्षम है। अगर जो सिचुएशन ज्यादा सीरियस है तो उस केस में ये अपने एंटीना की रोटेशन को बढ़ा लेगा ताकि एक पर्टिकुलर एरिया में लौट के मल्टीपल टाइम आ सके, और ये एक बार में तकरीबन 100 टारगेट को पकड़ने में सक्षम है। वहीं पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका RCS 2m² का है तो उसको ये 250 किलोमीटर दूर पकड़ने में सक्षम है। तो अब बात करते हैं इस रडार को जैम किया जा सकता है नहीं। तो इसमें सफिशियंट जो आपके इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर है वो भी दिए गए हैं। इसके जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, और जैमिंग को काउंटर करने के लिए इसमें अलग अलग तरह के फंक्शन दिए गए हैं। और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर के रूप में इसमें दिया जा रहा है लीस्ट जैम फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन यानी कि LJF, साथ में दिया जा रहा है डायरेक्शनल जैमिंग एनालिसिस, और वहीं पे ओमनी डायरेक्शनल जैमिंग एनालिसिस का भी प्रावधान है। तो आप बात करोगे लीस्ट जैम फ्रीक्वेंसी की तो इस मेथड में क्या होता है कि जब भी कोई दुश्मन आपको जैम करना चाह रहा है तो उस केस में आपका रडार क्या करेगा, दुश्मन के जैमर से आ रहा है जो भी फ्रीक्वेंसी है तो उसको रिसीव करना ही बंद कर देता है, और तुरंत ही अपने आप को एलोकेशन मोड में डाल लेता है, और उसकी वजह से वो जैमर को रियल टाइम में ट्रैक करने लग जाता है। तो यहाँ पे ये चालाकी से अपने रडार का जो रिसोर्स है उसको सेव कर लेता है, और जो भी नॉइज सिग्नल आ रहे होते हैं एक्स्ट्रा सिग्नल्स उनको रिसीव ही नहीं करता है। और कुछ इसी तरह से ये आपका DJA और OJA ये दोनों को परफॉर्म करके अपना जो ECCM है उसको अप्लाई करता है। अब बात करोगे कि किस प्रकार के टारगेट को ये डिटेक्ट कर सकता है, क्या ये हाइपरसोनिक टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है? तो ये आपके अगर टारगेट की वेलोसिटी 1000 से लेके 1200 मीटर के बीच में है पर सेकंड तो उसको भी डिटेक्ट करने में सक्षम है ये। और ये भी आपका LRDE द्वारा डेवलप किया गया रेडार है जो कि आपके टारगेट की इन्फॉर्मेशन जैसे कि रेंज,
हाइट, डॉपलर वेलोसिटी और कौन से एंगल पे आ रहा है, तो ये चार तरह की इन्फॉर्मेशन ला के देने में सक्षम है और ये केपेबल है अलग अलग तरह के रॉकेट और आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल को भी डिटेक्ट करने में। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये स्मॉल से स्मॉल टारगेट को भी डिटेक्ट कर सकता है और ये स्कैनिंग के दौरान एक स्पेशल पैटर्न का इस्तेमाल करता है और इस पैटर्न के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ बीम्स हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल मैनर में भी स्कैन कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लो 6 बीम वर्टिकल मैनर में स्कैन कर रहे हैं और वहीं पे 6 और बीम हॉरिजॉन्टल या फिर साइड वाइज स्कैन कर रहे होते हैं, तो कुछ इस तरह का पैटर्न ये इस्तेमाल करता है। तो इस ADTCR रडार को लेकर इतना ही, आई एम श्योर बहुत कुछ रह गया है, यहाँ पे सिर्फ ये की पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। अगर इसके बारे में कुछ और पॉइंट होंगे तो उस पर हम बाद में बात कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फिलहाल। जय हिंद।